और राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से एक अजीब आदेश जारी कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय फिर से सुर्खियों में भी आ गया। दरअसल हॉस्टल की वार्डन ने एक आदेश चस्पा किया था, जिसमें कि हॉस्टल की फीस समय से नहीं भरने पर यहां पर दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति नहीं देने की बात लिखी गई। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा तो आदेश को वापस लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें कि दुर्गा पूजा की बात को हटा दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल का बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हमेशा अपने नए नए आदेशों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर से नया आदेश चर्चाओं में है। हाल ही में हॉस्टल में एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया कि अगर तय समय पर हॉस्टल की फीस जमा नहीं की गई, तो छात्रावास में दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद इस आदेश पर बवाल मच गया। इस आदेश में ये भी कहा गया कि 2 से 6 अक्टूबर के बीच हॉस्टल की फीस जमा नहीं की गई, तो छात्रों का एडमिशन अवैध माना जाएगा। इसी के साथ छात्राओं को दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में एक्शन भी लिया। संस्कृति बचाओ मंच ने विश्वविद्यालय के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि क्या ये मुगलों का राज चल रहा है जो इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। अगर उत्सव को लेकर अनुमति नहीं दी गई तो हम कुलपति का पुतला जलाएंगे और विरोध भी करेंगे। ये क्या मुगलों का राज चल रहा है या यहाँ पर तुगलकी फरमान लागू किया जाएगा? संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। आप दुर्गा उत्सव से फीस को जोड़कर नहीं देख सकते, तो संस्कृति बचाओ मंच वहां पर प्रदर्शन करेगा और कुलपति का पुतला दहन करेगा। इसलिए सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि कुलपति से कहिए कि हमारे धार्मिक त्योहारों को मनाने न देने के लिए आदेश जारी न करें। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस तुगलकी फरमान को आनन फानन में वापस ले लिया गया और संशोधित आदेश भी जारी किया गया। इस बार के आदेश में दुर्गा पूजा वाली बात तो हटा दी गई, लेकिन मामले में बीयू के रजिस्ट्रार का कहना है कि हॉस्टल की वार्डन की गलती से नोटिस चस्पा हुआ था, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है। हालांकि मैंने खुद दुर्गा पूजा के लिए इंजीनियर से साफ करने की परमिशन दी है। वार्डन की तरफ से कोई गलत नोटिस जारी किया गया था, जैसे ही संज्ञान में प्रशासन के आया तत्काल उनसे कहा है कि ऐसे आप नोटिस नहीं निकाल सकते, उसको उन्होंने फिर वापस भी लिया है। कल के पहले जो है मेरे पास कुछ बच्चे आए थे कि साहब हम दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप करिएगा। मैंने इंजीनियर से कहा कि वहाँ साफ सफाई करिए, पुताई करा दीजिएगा, पुताई भी करिएगा, और यदि समय से पुताई नहीं हो तो आप बच्चे जो है मुझे भी बता सकते हैं कि भाई टाइम से जो है तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब विश्वविद्यालय ने ऐसा आदेश जारी किया हो। इसके पहले भी एक और आदेश चर्चा का विषय बना था, जिसमें कुलगुरु से मिलने के लिए 2 छात्रों की अनुमति दी गई थी। 2 से ज्यादा छात्र अगर समस्या बताते हैं तो उन्हें बाघ सेवनिया पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस मामले में NSUI ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंजलि सिंह की रिपोर्ट।